हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पूरे सभी खेलों के बारे में, उसके कुछ रूल्स, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर्स होने पर खेला जाता है, कितना उसका समय होता है, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पिक्स है ना, तो आज इसी के बारे में हम लोग का डिस्कशन होगा, पूरे सभी खेल के लगभग लगभग कोशिश करूँगा मैं। तो देखते रहिए, वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करिए, और दोस्तों वीडियो जो भी देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दें मेरे दोस्त। और साथ ही साथ इसमें हम लोग कितने निर्णायक होते हैं और क्या क्या तकनीकी नाम हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है फुटबॉल सॉकर, है ना, उसको सॉकर भी कहते हैं। मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, ठीक है। और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जाएगा, तो कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जाता है, कम से कम इसमें 7 दिया हुआ है, तो ये देख लेंगे 7। और कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या यह टूर्नामेंट आयोजन करने वाले संघ पर निर्भर करता है, जैसे कि फीफा विश्व कप 24 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। डी, मैच की अवधि या अंक 45 15 45 का होता है, तो इसको याद रखेंगे, कई जगह 45 10 45 दिया रहता है तो वो चेंज हो गया है, अर्थात 45 मिनट का पहला हाफ और 15 मिनट का बीच मध्यांतर और 15 मिनट का दूसरा हाफ, तो कुल 90 मिनट का ये मैच खेला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुल 15 मिनट का, सॉरी 90 मिनट का। ई, मुख्य निर्णायक रेफरी, ठीक है, एक मुख्य रेफरी होता है, असिस्टेंट रेफरी होता है, और मैच शुरू होता है किक ऑफ, ठीक है, किक ऑफ से ये मैच शुरू होता है। फिर मैदान का तकनीकी नाम फील्ड, ये फील्ड जैसे बहुत सारे में कोर्ट बोलते हैं, ये फील्ड बोला जाता है इसको। खिलाड़ियों की तकनीकी नाम फुटबॉलर, ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट है। गोल कीपर, फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, राइट आउट, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट इन, मिडफील्डर, सेंटर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, डिफेंस स्टॉपर या मैन बैक या मैन डिफेंस, राइट साइड डिफेंस, लेफ्ट साइड डिफेंस, राइट इन डिफेंस, लेफ्ट इन डिफेंस। एंड खेल का प्राचीन नाम चीन, सुचु, मिस्र, हास्प सटीन। और खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के फुटबॉल अध्याय को देखें। चलिए दूसरा देखते हैं, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी 11 होती है, कम से कम कितने होने पर ये भी 7 में होती है, और कुल खिलाड़ियों की संख्या टूर्नामेंट आयोजन करने पर संघ को इसमें निर्भर करता है कि वैसे 16 खिलाड़ी से अधिक नहीं होने चाहिए। मैच की अवधि या अंक 2018 के हिसाब से 15-2-15 और 15-2-15, अर्थात ये 15-15 मिनट का 4 क्वार्टर होता है, और 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का दूसरा क्वार्टर, और 10 मिनट का मध्यांतर, सॉरी हाँ एक्सक्यूज मी 10 मिनट का मध्यांतर, 15 मिनट का तीसरा क्वार्टर, 2 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का चौथा क्वार्टर, और कुल कितने होते हैं 60 मिनट का मैच खेला जाएगा। नोट, FIH 2017 रूस के अनुसार ये 35-5-35, अर्थात ये 35 मिनट का पहला हाफ और 5 मिनट का मध्यांतर, और 35 मिनट का दूसरा हाफ, यानी कुल 70 मिनट का मैच खेला जाएगा। ये कब का था, 2017 का था, इसको याद रखेंगे। 2017 में कितना टाइम था करके पूछ देंगे तो क्या करेंगे आप, तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, निर्णायक अंपायर 2, और मैच शुरू होता है सेंटर पास से, ठीक है,
आई थिंक सेंटर पास लिखा है इसमें, इसको बैक पास होता है शायद इसमें, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसके बारे में। मैदान का तकनीकी नाम फील्ड, और खिलाड़ियों की जो तकनीकी नाम है, हॉकी प्लेयर ही बोलते हैं इसको, गोल कीपर, फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट इन, मिडफील्डर, सेंटर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, डिफेंस स्टेप, स्टॉपर या मैन बैक या मैन डिफेंस, राइट साइड डिफेंस, लेफ्ट साइड डिफेंस, राइट इन डिफेंस, लेफ्ट इन डिफेंस। खेल का प्राचीन नाम हॉकी। खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के, उसको छोड़ दीजिए, खो खो देखते हैं। तीसरा, खो खो इस जो मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, कम से कम कितने खिलाड़ियों होने पर मैच खेला जा सकता है, तो जाएगा तो 9 ही लिखा है इसमें। कुल खिलाड़ियों की जो कि टीम की संख्या है 12 होती है, 3 एक्स्ट्रा होते हैं। मैच की अवधि कितनी होती है, खो खो मैच का 2 इनिंग खेला जाता है, और प्रत्येक इनिंग में 2 टर्न होते हैं, यानी चैंसिंग और रनिंग, तो चेसिंग होगा, चेसिंग और रनिंग, अर्थात कुल मिलाकर के 4 टर्न, यानी 9, 3, 9 और 6 मिनट का मध्यांतर, फिर 9, 3, 9 अर्थात 9 मिनट का पहला टर्न, 3 मिनट का ब्रेक, 9 मिनट का दूसरा टर्न, 9 मिनट का मध्यांतर, 9 मिनट का तीसरा टर्न और 3 मिनट का ब्रेक, तो 9 मिनट का चौथा टर्न, फिर कुल 36 मिनट का मैच खेला जाएगा, या टोटल इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और जोड़ लीजिए 36 में, और 6 और जोड़ लीजिए, 3 चौक 12, 12 6 18 और जोड़ लेंगे उसमें, तो 36 10 46 46 8 46 4 50 52 ऐसे समथिंग हो रहा है आपका, लेकिन कई जगह 59 भी देते हैं, कई जगह 54 मिनट होता है, तो इसमें ये मेन 36 मिनट है। मुख्य निर्णायक रेफरी, एक अंपायर, और मैच शुरू होता है पोल एक्टिव चेजर शुरू करता है। मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट ही है। खो खो मैच आर डिज़ाइन एंड मेड यूजिंग प्रीमियम क्वालिटी ईवा फ्रॉम द नेचुरल रबर, जैपनीज सिंथेटिक रबर एंड अदर अलाइड मटेरियल्स, अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट। चलिए, खिलाड़ी के तकनीकी नाम खो खो प्लेयर ही बोलते हैं। बैठने वाले टीम को चेजर बोलते हैं, और भागने वाले को रनर बोलते हैं या टेकर। जिस टीम को पकड़ा जा रहा है उस टीम को डिफेंसिव रनर, और जिस खिलाड़ी को पकड़ा जा रहा है उसे एक्टिव रनर, है ना। तथा जो खिलाड़ी को पकड़ने जा रहा हो उसे एक्टिव चेजर। एंड खेल का प्राचीन नाम है खो खो। शब्द संस्कृत के स्यु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ खड़े होकर जाओ, खड़े हो जाओ। और खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस जो पुस्तक के खो खो अभ्यास अध्याय वो जानते हैं। चलिए, कबड्डी, कबड्डी मैच को देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, कितना मिनट हो गया। ओके, तो कबड्डी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की टीम की जो संख्या होती है 7 होती है, और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जाएगा, तो ये होता है 7 ही होगा। और कुल खिलाड़ियों की टीमों की संख्या कितना होता है, तो 12, और मैच की अवधि या अंक पुरुष सीनियर में 20 10 20 अर्थात 20 मिनट का पहला हाफ और 10 मिनट का मध्यांतर, उसके बाद होता है 20 मिनट का दूसरा हाफ, कुल 40 मिनट का मैच खेला जाता है। और महिला सीनियर में 15 10 15 अर्थात 30 मिनट का खेल खेला जाता है, ठीक है। और मुख्य निर्णायक रेफरी होते हैं अंपायर। मैच शुरू होने से रेडर द्वारा रेड पर, और मैदान आन का तकनीकी नाम कोर्ट है, और इसे MAT यानी कबड्डी मैट्स आर डिज़ाइन एंड मैड यूजिंग प्रीमियम क्वालिटी ईवा जो फ्रॉम नेचुरल रबर, जापानी सिंथेटिक रबर, ये इससे बनता है, अदर अलाइड
मटेरियल्स अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में बनता है, उसके निरीक्षण में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खिलाड़ियों की तकनीकी नाम, कबड्डी प्लेयर ही बोलते हैं, रेडर एंड शब्द देख लेते हैं, एंटी सेंटर मैन, राइटर सॉरी राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट इन, लेफ्ट इन। खेल का प्राचीन नाम है कबड्डी ही को विभिन्न भारतीय प्रदेशों में जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में हुतुतुतु, और तमिलनाडु में जो है आंध्र प्रदेश में चेडुडू, और केरल में वाचकता, वाचकता यानी बंगाल में डुडू, हे डुडू, इसको पूछा गया था एक बार कोई एग्ज़ाम में तो मैं देखा हूँ। खेल के पूर्ण जो है वितरण वितरण के लिए इस पुस्तक में देख लेंगे। हैंडबॉल, हैंडबॉल देखते हैं मैच ये खेलने की जो खिलाड़ियों की जो टीम की संख्या होती है 7, और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर खेला जा सकता है तो इसमें 5, और कुल खिलाड़ियों की टीम में जो है संख्या या टूर्नामेंट आयोजन करने वाले संघ पर निर्भर करता है। वैसे IHF के आधार पर एक टीम में 14 खिलाड़ी होते हैं, और मैच की अवधि या अंग 30-30 मिनट का, अर्थात 30 मिनट का पहला हाफ, 10 मिनट का मध्यांतर, 30 मिनट का दूसरा हाफ, और कुल 60 मिनट का जो है मैच खेला जाएगा। नोट, विशेष परिस्थितियों में मध्यांतर और मिनट मध्यांतर मिनट किया जा सकता है। मुख्य निर्णायक रेफरी, 2 मैच शुरू होता है, और थ्रो हाफ से मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट, खिलाड़ियों के तकनीकी नाम हैंडबॉल प्लेयर, गोल गोलकीपर, ऑफेंस प्लेयर, और सेंटर कोर्ट, बैक कोर्ट, राइट वीमेन, लेफ्ट विंग मैन, राइट बैक कोर्ट, लेफ्ट बैक कोर्ट, और पिवट डिफेंस प्लेयर, फॉर राइट बैक, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, हाफ राइट, फ्रंट सेंटर, फॉर लेफ्ट। और खेल का प्राचीन नाम, प्राचीन काल में ईस्ट डेनमार्क में हैंडबॉल्ड, चेक गणराज्य में हजेना, यूक्रेन में जो है हैंडबॉल, तथा जर्मनी में टोरबॉल कहा जाता था। ओके, देयर इज एविडेंस ऑफ एंशियंट रोमन वुमेन प्लेइंग इन वुमन प्लेइंग अ वर्जन ऑफ हैंडबॉल कॉल्ड एक्सप्लोजिम ल्यूड्रे इन द 19th सेंचुरी देयर एक्सिस्ट सिमिलर गेम्स ऑफ हैंडबॉल जो है एक्सक्यूज मी सॉरी दोस्तों कहाँ पर आए थे हम लोग, 19th सेंचुरी देयर एक्सिस्टेड सिमिलर गेम्स ऑफ हैंडबॉल फ्रॉम डेनमार्क, और ये क्या है, हाजेना इन द कैच रिपब्लिक, हैंडबॉल इन यूक्रेन, एंड टोरबॉल इन जर्मनी। तो खेल के पूर्ण विवरण के छोड़ देते हैं। बास्केटबॉल देखते हैं, मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की जो टीम की संख्या होती है 5, और कम से कम कितने खिलाड़ी जो है होने पर मैच खेला जा सकता है तो 5, और कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या 12 होती है, और मैच की अवधि का अंक 10, 2, 10, 15, 10, 2, 10, अर्थात 10 मिनट का पहला क्वार्टर, 2-2 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट का दूसरा क्वार्टर, फिर 15 और 10 मिनट का तीसरा क्वार्टर, और 2 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट का चौथा क्वार्टर। चलिए, कुल 40 मिनट का खेल होता है, और मैच खेला जाएगा, और मुख्य निर्णायक रेफरी, अंपायर, 2 मैच शुरू होता है जंप बॉल से, ये इम्पोर्टेंट है। मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट है, और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम कैजर्स बोला जाता है इसको,
ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल का प्राचीन नाम बास्केटबॉल ही है और खेल के पूर्ण विवरण के लिए जो है इस पुस्तक में सॉरी पुस्तक के बास्केटबॉल अध्याय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। नीचे देखते हैं उसके बाद टेबल टेनिस, सातवां मैच खेलने के खिलाड़ियों की जो संख्या होती है या दो और एक तथा डबल्स में दो और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर खेल खेला जा सकता है, एक या दो सिंगल या डबल अल्स, तो कुल खिलाड़ियों की जो टीम में संख्या जो होती है वो एक या दो सिंगल एक तथा डबल्स में दो, डी मैच की अवधि या अंक 11 अंक का एक गेम तथा एक मैच बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 होता है, पुरुषों के लिए 5 गर्ल्स के लिए 3 और मुख्य निर्णायक जो है रेफरी अंपायर असिस्टेंट अंपायर। मैच शुरू होता है सर्विस से और राइट सर्विस कोर्ट से। मैदान का तकनीकी नाम टेबल टेनिस इंडोर कोर्ट और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम पैडलर्स है, तो ये इम्पोर्टेंट है। खेल का प्राचीन नाम प्राचीन इन काल से इसे वीफ वेव क्या है गोसमर और फ्लिम फ्लेम के नाम से जाना जाता था और 1901 में जे जेक्स एंड सन्स ने इसे पिंग पोंग नाम दिया। 1920 में सर्वप्रथम इसे टेबल टेनिस का नाम दिया गया और जे के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के जो है टेबल टेनिस अध्याय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। चलिए आठवां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण गेम है बैडमिंटन मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की जो टीम की संख्या होती है एक या दो सिंगल एक तथा डबल्स दो और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जा सकता है, एक या दो सिंगल तथा डबल ने दो वो कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक या दो तथा एक डबल्स तथा दो वो मैच की अवधि या ही का अंक 21 अंक का गेम और एक मैच बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5 जैसे बैडमिंटन टेबल टेनिस तथा मुख्य निर्णायक रेफरी अंपायर एक है ना। तो मैच शुरू क्या है होता है सर्विस से होता है राइट सर्विस है ना राइट सर्विस कोर्ट से और मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट ही है इंडोर कोर्ट और खिलाड़ियों की तकनीकी नाम शटलर्स है पैडलर्स था ये शटलर्स है। खेल का प्राचीन नाम हम कई खेल के इतिहासकार मानते हैं कि बैडमिंटन खेल का विकास इसके जो इससे मिलते जुलते खेल बेटल डोर तथा शटल कॉक को यूनान तथा इजिप्ट में खेला जाता था और जाता था से हुआ है। इस खेल का शटल कॉक को एक खिलाड़ी के पैडल से मारा जाता था और जिसे बैट या बैटल डोर कहा जाता था। खेल के पूर्ण विवरण से के लिए बुक को देख लेंगे। चलिए टेनिस भी महत्वपूर्ण है। मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक या दो सिंगल डबल्स तथा कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर जो है मैच खेला जाएगा तो एक या दो मतलब एक एक साइड में एक एक भी होगा तो चल जाएगा खिलाड़ी सिंगल एक तथा डबल में दो और कुल जो है खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक या दो सिंगल तथा डबल्स। नेक्स्ट देखते हैं दो मैच की अवधि अंक 15, 30, 40 है अंक है ना ये पहला पॉइंट बनता है तो 15 फिर 30 फिर 40 और पहला अंक 15 का दूसरा अंक 30 का गेम और तीसरा अंक 40 का और चौथे अंक पर गेम हो जाता है ख़त्म यानी वन पॉइंट हो जाता है।
चलिए, इस मैच में 3 गेम या बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 3 होता है। मुख्य निर्णायक रेफरी, एक चेयर चेयर अंपायर, एक लाइन अंपायर, एक नेट अंपायर, और एक मैच शुरू होता है सर्विस से और राइट सर्विस कोर्ट से। ठीक है, मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट है, और रेड सोइल कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, ये 3 कोर्टें हैं जो महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। खिलाड़ियों के तकनीकी नाम शटलर, इसमें भी शटलर बोला जाता है। खेल का जो प्राचीन नाम है, 12वीं शताब्दी में ज्यू डी पॉम नाम दिया गया, और ज्यू डी पॉम गेम ऑफ द पाम यानी हाथों हथेलियों का गेम। तथा 16वीं शताब्दी में लॉन टेनिस नाम दिया गया, और 1920 में इस खेल का नाम लॉन टेनिस से टेनिस रख दिया गया। 1920 में याद रखेंगे। खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के लिए देखते रहिए। वॉलीबॉल भी महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण को मैं कवर कर लेता हूँ इसमें। वॉलीबॉल मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की टीम की संख्या 6 होती है। कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जा सकता है, तो 6 है, और कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या 12, और मैच के अंक होते हैं 25 अंकों का एक सेट, तथा यह बेस्ट ऑफ थ्री बेस्ट ऑफ है ना मैच बेस्ट ऑफ थ्री इससे होता है। मुख्य निर्णायक फर्स्ट रेफरी ही सेकंड रेफरी। मैच शुरू होता है सर्विस से। मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट है, इंडोर कोर्ट। खिलाड़ियों के तकनीकी नाम वॉलीबॉल प्लेयर्स, एंड खेल का प्राचीन नाम मिंटोनेट। और खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के वॉलीबॉल अध्याय में सुनिश्चित प्रश्नों को देखें। चलिए अभी देखेंगे। खेल क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 11, और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर भी मैच खेला जा सकता है, तो इसमें 11 ही लिखा है, बाकी कम में भी हो जाता है, 6 में भी हो जाता है, देखे होंगे आप लोग। कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या यह टूर्नामेंट आयोजन जो है करने वाले संघ पर निर्भर करता है। वैसे ICC के आधार पर एक टीम में 11+1 यानी कि खिलाड़ी होते हैं, और मुख्य निर्णायक 11+1 नहीं होता, 11+5 होता है ICC में। चलिए कोई बात नहीं। मैच रेफरी, एक अंपायर और दो, अगर दो है अंपायर दो, मैच रेफरी एक अंपायर दो, अगर टेस्ट मैच में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का प्रयोग हो रहा हो तो तीसरा यानी थर्ड अंपायर भी रखा जाएगा, और वो होता ही है। ये टेस्ट मैच के अलावा अन्य मैचों में भी तीसरा अंपायर होम बोर्ड द्वारा रखा जाता है। आकस्मिक समय अंपायर का कार्य कर सके, तथा जो TV रिप्ले का कार्य कर सके, होम बोर्ड चौथा अंपायर भी रख सकता है, जो आकस्मिक समय में तीसरे अंपायर का कार्य कर सके। आकस्मिक हुई आकस्मिक लिखा है, आकस्मिक होता है। चलिए, मैच शुरू होता है बॉलर द्वारा गेंद फेंकने पर, और मैदान का तकनीकी नाम होता है विकेट। खिलाड़ियों के तकनीकी नाम क्रिकेट प्लेयर। खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक में देखिए। चलिए कुश्ती को देखते हैं। तो मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की जो टीम में संख्या होती है वो एक, और कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जाएगा तो एक, और कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक है। बाउट की अवधि 3-3 मिनट आठ की जो होती है, और राउंड प्रत्येक राउंड के पश्चात 30 सेकंड का ब्रेक होता है। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को चीत चीत यानी फॉल कर देता है, गिरा देता है, तो बाउट वहीं ख़त्म हो जाती है और चीत करने वाले खिलाड़ी जीत जाता है। अगर किसी खिलाड़ी के अंकों का अंतर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के जो अंक से ग्रीको रोमन में 8 तथा फ्री स्टाइल में 10 अंकों का बाउट यानी कि अंतर है ना वहीं ख़त्म हो जाती है,
अंतर होने पर और वह खिलाड़ी विजयी होता है। मुख्य निर्णायक है मैच चेयरमैन, रेफरी एक, जज एक। मैच शुरू होता है हाथ मिलाकर और मैदान का तकनीकी नाम मैट है और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम गेपलर्स, ये इम्पोर्टेंट है, गेपलर्स या पेले, सॉरी पेल। खेल का प्राचीन नाम है ग्रेपलिंग। खेल के पूर्ण विवरण के लिए पुस्तक को देखिए। 13वां खेल स्क्वैश। स्क्वैश जो होता है मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक या दो और सिंगल्स एक तथा डबल्स में दो, कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच खेला जाएगा। तो कितने होने पर होगा, एक या दो। सिंगल्स एक तथा डबल्स में दो, कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक या दो, सिंगल्स एक, डबल्स दो। मैच के अवधि अंक 11 अंकों का एक मैच, एक गेम और एक मैच, बेस्ट ऑफ थ्री ही और बेस्ट ऑफ फाइव। प्रत्येक गेम के पश्चात 90 सेकेंड एंड ब्रेक होता है और 1.5 मिनट ब्रेक होता है। मुख्य निर्णायक रेफरी एक, मार्कर एक और मैच शुरू होता है सर्विस से और राइट सर्विस कोर्ट से। मैदान का तकनीकी नाम कोर्ट, इंडोर कोर्ट। खिलाड़ियों के तकनीकी नाम स्क्वैश प्लेयर और खेल का प्राचीन नाम है। इस खेल की खोज 1830 में लंदन के हैरो विद गायल ने में की गई थी। खेल के पूर्ण विवरण के लिए पुस्तक देखें। जिम्नास्टिक 14वां खेल है। जिम्नास्टिक खेल के पूर्ण विवरण के लिए पुस्तक ही देखेंगे। बिलियार्ड्स एवं स्नूकर। बिलियार्ड स्नूकर स्क्यू ये लास्ट होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा ताकि वीडियो मैं डाल ना पाऊँ, उससे अच्छा दोस्तों इसमें देखते हैं। कैरम, बिलियार्ड्स, पूल, स्नूकर, बिलियार्ड्स आते हैं, ठीक है, बिलियार्ड्स एवं स्नूकर वाले। मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए टीम की संख्या एक, कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या एक तथा मैदान का तकनीकी नाम टेबल और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम बिलियर्ड्स एवं स्नूकर प्लेयर। खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक के बिलियर्ड्स एवं स्नूकर अध्याय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। तो 16 हैं, शतरंज और मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या एक, कुल खिलाड़ियों की टीम की संख्या है एक और मैदान में तकनीकी जो नाम है बोर्ड बोलते हैं उसको, चेस बोर्ड, और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम है उत्कृष्ट खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। खेल का प्राचीन नाम है चतुरंग और चौरंग तथा 17 वाटर पोलो। मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 और कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 12 और मैदान में तकनीकी नाम स्विमिंग पूल है और खिलाड़ियों के तकनीकी नाम उत्कृष्ट खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर इसमें भी कहा जाता है। खेल का प्राचीन नाम चतुरंग या चौरंग और खेल के पूर्ण विवरण के लिए इस पुस्तक में देखें। फिर और कुछ गेम हैं, 2 मिनट का समय है, 30 मिनट का वीडियो बना देता हूँ। ब्रिज है ना, ताश के पत्तों वाला गेम है। जूडो जानते हैं, मार्शल आर्ट का गेम है। और फिर बेसबॉल हो गया आपका, 9-15 खिलाड़ियों की संख्या है ना, 9-15 खेलने वाले जो होते हैं उसी में। बेसबॉल में सॉफ्ट बॉल भी है, सेम है, वही है, बॉल बड़ा होता है, अंदर से पिच की पिचर होता है अंदर से है। और फिर बॉक्सिंग है एक एक, शूटिंग एक एक, तीरंदाजी एक एक, स्विमिंग एक एक, एक स्विमिंग पूल सभी को जानते हैं। शूटिंग का रेंज कहते हैं, बॉक्सिंग का रिंग, डायमंड उसका। फिर सिंक्रोनाइज स्विमिंग है ना, ये सारे पूरे आपका 39 गेम। फिर आपको मैं बताऊंगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।